गढ़ कटंगा विस्तृत गोंडवाना साम्राज्य का हिस्सा था, जो राजा संग्राम शाह और वीरांगना दुर्गावती के महान शासन का साक्षी रहा। जबलपुर इसी महान क्षेत्र की विरासत को आज भी समाहित किए हुए है। रानी दुर्गावती ने 16वीं शताब्दी में गोंडवाना साम्राज्य पर शासन किया था और इस काल को स्वर्णिम युग माना गया है। उन्होंने अपने शासनकाल में 3 बार मुगलों और कई आक्रमणकारियों के खिलाफ 51 वीरतापूर्ण युद्ध लड़े थे। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने रानी दुर्गावती की वीरता का उल्लेख किया था। रानी दुर्गावती जी की 500वीं जन्म शताब्दी पूरे देश में भारत सरकार मनाएगी और रानी दुर्गावती की प्रेरणा ऐसे ही हमारे पथ प्रदर्शन करती रहेगी। रानी दुर्गावती की 500वीं जयंती के अवसर पर रानी की वीरता और साहस को सम्मान देने के लिए जबलपुर में स्थित मदन महल पहाड़ी के 21 एकड़ क्षेत्र को रानी दुर्गावती स्मारक एवं उद्यान के रूप में मध्य प्रदेश पर्यटन विभाग द्वारा विकसित किया जाएगा। एंट्रेंस प्लाजा में रानी दुर्गावती की 52 फीट ऊंची कांस्य प्रतिमा की स्थापना होगी। साथ ही संग्रहालय, प्रवेश द्वार, सोवेनियर शॉप, सूचना केंद्र और सार्वजनिक सुविधाएं होंगी। रानी दुर्गावती और गोंड साम्राज्य के इतिहास की कला और संस्कृति को संग्रहालय की गैलरीज में दर्शाया जाएगा। रानी दुर्गावती की वीरता को दर्शाने के लिए ध्वनि और प्रकाश शो का प्रावधान होगा। जनजातीय ग्राम समूह क्षेत्र प्रस्ताव का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, जिसकी रचना को ग्रामीण शैलियों में विकसित किया जाएगा और इनमें गोंडवाना क्षेत्र की जनजातीय कला, शिल्प और सांस्कृतिक जीवन का प्रदर्शन होगा। जनजातीय व्यंजनों को बढ़ावा देने के लिए फूड स्ट्रीट विकसित की जाएगी, जिसका निर्माण फूड स्टॉल और ग्रामीण दुकानों को प्रदर्शित करने के लिए विभिन्न शैलियों में किया जाएगा। यह स्मारक रानी दुर्गावती के अदम्य शौर्य और पराक्रम की अमर गाथा को नई पीढ़ी के लिए संरक्षित करेगा और गोंड समुदाय सहित पूरे देश के लिए प्रेरणा स्थल बनेगा।